हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल हैंडीक्राफ्ट नॉलेज में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ, तो आज मैं जो पेंट है वो लेके आया हूँ, जो गन पेंट जो हमारा पेन गन से होता है वो पेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का कोई भी स्टेप मिस ना हो। और कोई भी मेरा भाई कुछ पूछना चाहता हो या कोई जानकारी चाहता हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, और या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें पेनगन को जो है यूज़ करना है, जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल इसी तरह से चलाना है पेनगन को आपने। और जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो सब NC कलर्स हैं, जिसको मैंने पतला कर लिया है अपने पेनगन के हिसाब से। ये देखिए, इस तरह से ये मॉडल जो है हम बना लेंगे। अब ये दूसरा मॉडल है, इसको हम थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे क्योंकि ये मॉडल अलग है, इसलिए हम इसे दूसरा कलर देंगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब के कलर भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पेनगन जो है वो कैसे आपको इस्तेमाल करनी है। इसको आपने बड़ी सावधानी से चलाना है दोस्तों, क्योंकि अगर पेनगन इधर से उधर हुई तो हमारा पूरा का पूरा पीस जो है ख़राब हो जाएगा। जो भाई मुझे पहली बार देख रहा है या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, इस तरह से बड़ी सावधानी से आपको जो है पेनगन का इस्तेमाल करना है। ये हमने इस मॉडल में कर दिया है। अब हम इस मॉडल पर जो है ब्लैक कलर करेंगे, जिससे इसके कान बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, फिर दूसरा कान, ये देखिए इस तरह से। और अब इसके जो पीठ में थोड़ा सा ब्लैक कलर करेंगे ताकि ये ओरिजिनल लुक दे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको सब जानकारी मिलती रहे। इस तरह से देखिए, ये ब्लैक हमने कर दिया है, ये देखिए इसके कान और पीठ हमने ब्लैक कर दिया है। ये सब NC कलर्स हैं। ये हमारा तीसरा मॉडल है, इसको हम जो बैक साइड है इसकी जो वाइट आप देख रहे हैं, इसको हम पूरी तरह से ब्लैक करेंगे। ये देखिए, आपको भी इस तरह से जो है पेनगन का इस्तेमाल करना है, बड़ी ही सावधानी से और बड़े इत्मीनान से। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है पेनगन में, नहीं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसको हम चलाएंगे और ये पूरा ब्लैक करेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट हो गया है आधा। नीचे जो है कप वाइट है, इसलिए बड़ी सावधानी से आपको ब्लैक कलर चलाना पड़ेगा ताकि जो है कप पर हमारा ब्लैक कलर ना लगे। ये देखिए, ये भी इस तरह से हो जाएगा बैक साइड से। अब हम इनकी आईज बनाएंगे। देखिए, ये ईयर बना इसके, ये आईज बनाई। पेनगन को चलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेंट है वो ना तो ज़्यादा मोटा रहे, नहीं तो पेनगन में अटक सकता है, और ना ही ज़्यादा पतला रहे, तो आपको थिनर उस हिसाब से डालना है NC पेंट में। ये देखिए, इस तरह से हम इसके आईज बना लेंगे। ऐसे हम सब मॉडल्स के आईज वगैरह बनाएंगे। ये देखिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमारा अगला मॉडल है, इसमें भी हम
इसकी आईज बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए इसके नोज बनाएंगे, इसके लिप्स बनाएंगे ताकि एकदम ये ओरिजिनल लगे हमें। अभी आप लास्ट में देखिएगा जब ये तैयार हो जाएंगे तो चारों मॉडल कितने अच्छे हैं। अभी हमारा चौथा मॉडल, इसके भी हम जो ईयर्स हैं उस पर हल्की हल्की लाइनें मार देंगे पेन गन से, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसकी आईज बनाएंगे, पंजे बनाएंगे और इसकी नोज के पास हम थोड़ा ब्लैक कर देंगे ताकि इसका जो है ओरिजिनल फील आए। इसके बाद दोस्तों ये मॉडल जाता है हैंड पेंट के लिए, अब वो भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे कि हैंड पेंट हम कैसे करते हैं। ये देखिए इस मॉडल में हम पहले इन सब मॉडल की जीप बना लेंगे। देखिए पिंक कलर हमने ले लिया है और इससे हम इसकी जीप बना देंगे हैंड पेंट से। कोई भी पतला ब्रश आपको ले लेना है और उससे जो है इसकी जीप बनानी है। देखिए इस तरह से ये हमारा दूसरा मॉडल है, इसकी भी हम जीप बना देंगे। ये हमारा तीसरा मॉडल है, ये देखिए इस तरह से हम इसकी भी जीप बना देंगे। और ये हमारा चौथा मॉडल है, ये देखिए हमने इसकी भी जीप बना दी है। अब हम जो कप पे आप देख रहे होंगे ये जो फुटप्रिंट्स हैं इनको भी हम हैंड पेंट से कलर करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और चारों मॉडल का जो है अलग कलर दिया है हमने, आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके जो फुटप्रिंट्स हैं इसको हम, और ये आपको हैंड पेंट जो है बड़ी सावधानी से करना है दोस्तों, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। ये देखिए चारों मॉडल में मैं आपको करके दिखाऊंगा जैसा ये कर रहे हैं अभी। ये देखिए इस तरह से वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ताकि आपको पूरी जानकारी जो है मिलती रहे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके जो है फुटप्रिंट्स बना लिए हैं। इन चारों मॉडल के हमें फुटप्रिंट्स बनाने हैं। ये देखिए चौथा मॉडल है हमारा। अब इसके बाद ये जो पीसेज हैं वो डबल शेडिंग के लिए जाते हैं, जो कि कप के नीचे जो है हम दो कलर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हम पेन गन से करेंगे, उसको भी देखिएगा। ये देखिए हमने पेन गन ले ली है और इस तरह से हम जो इसके आधे पार्ट में कप के कलर कर देंगे। इसमें मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ इस मॉडल के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने पहले ही बताया कि आपको पेन गन जो है बड़ी सावधानी से चलानी है, नहीं तो मॉडल जो है वो ख़राब हो सकता है। बहुत तसल्ली से आपको काम करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है प्रोडक्ट तैयार हो गया है। ऐसे ही जो है हमें बाकी के तीन मॉडल भी तैयार करने हैं।
ये हमारा लास्ट मॉडल जो है देखिए तैयार हो गया है, और मैं कुछ इस तरह के ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।